व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक अपर जिलाधिकारी नगर विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक का संचालन वाणिज्य कर के डिप्टी कमिश्नर प्रशासन विनय कुमार गौतम ने किया। बैठक में व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें बिजली विभाग नगर निगम के मुद्दों के साथ कौशल विकास मिशन सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। बैठक में SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पतंत्र जैन, संजय सिंघानिया, रमेश गुप्ता, मणिनाथ गुप्ता, योगेंद्र नाथ दुबे सहित अन्य व्यापारी और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, हाँ मीटर रीडर्स वगैरह जो ये ले रहे हैं, कहीं वो प्रॉब्लम अगर करते हैं, कोई अगर आता है अपनी व्यक्तिगत शिकायत लेके, तो हम लोग की सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है। स्मार्ट मीटर है कितने जगह आपके, स्मार्ट मीटर आपके भी काले वाले मीटर भी चेंज जो 10 हमें कोई स्थान आप बता दें, 4-5 अलग अलग हमारे लोग पहुंचेंगे, हम लोग भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। सर आप अपने पहली बात कहेंगे, आप कहेंगे कि बोल ही रहा, तो मैं अपने आप बताना चाह रहा हूँ कि सभी पावर मैंने क्या भी बनाए साहब, नहीं हो पाएगा हमको भी इस मामले में गए थे, एक मामले में चलिए मैं सर एक आदमी का या दो आदमी का कल लेके आता हूँ, बक्सीपुर का ही लेके आता हूँ, और उसका सॉल्यूशन करवाइए। दोनों सिस्टम सर अप्लाई किया जा सकता है, एक बार कैंपिंग आप उसका साइज की साइज दुकान के हिसाब से एक बैलेंस हो जाए, उसकी हाइट जो है नीचे कोई बड़ा लगाता है कोई छोटा लगाता है, वो ना करके एक साइज का हो जाए और अच्छा लगे देखने में, और कोशिश हो कि वो मैं शहर के जो महत्वपूर्ण व्यापारी संगठन व व्यापारी हैं उनके साथ एक शासन के निर्देशों क्रम में व्यापार बंधु की बैठक की गई है, और उसमें बेसिकली व्यापारियों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके संबंध में चर्चा की गई है, और उसके लिए जो भी विभाग यहां पर जिम्मेदार हैं उन सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे, ताकि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द और उचित समाधान त्वरित गति से कर सके, उसके लिए चर्चा की गई, और हम प्रयास करेंगे कि अगली मीटिंग से पूर्व जो भी समस्याएं आज उठाई गई हैं व्यापारियों के द्वारा उसका पूर्ण समाधान हो, ताकि व्यापारियों को अपना व्यापार करने में सहूलियत हो, आसानी हो। सर कुछ मुख्य समस्याएं आई हैं इसके द्वारा? मुख्य समस्याएं व्यापारियों की शहर में जाम को लेकर या बिजली के तारों को लेकर, सड़क की व्यवस्था को लेकर, ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर थी, और इस पर सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे और उनके द्वारा समस्याओं को समाधान करने के लिए निर्देशित किया गया, जिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।